लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि लोजपा 50 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पार्टी के द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। आज लोक जनशक्ति पार्टी ने ये फैसला लिया है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी अकेले लड़ेगी और लगभग 50 ऐसी सीटें हैं जिस पर हम लोग अपने प्रत्याशी उतारेंगे और पहली सूची लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशियों की पहली सूची आज शाम तक साझा कर दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार पार्टी टोकन के रूप में दी जाने वाली सीटों को स्वीकार नहीं करेगी। वहीं भाजपा ने 52 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। ये लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य इकाई निरंतर चाहती थी कि क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है, हमारे प्रत्याशियों ने काफ़ी समय से यहाँ पे तैयारी कर रखी है, तो इसलिए हमारी राज्य इकाई पूरी तरीके से आश्वासित थी कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। बट बहरहाल क्योंकि हम लोग गठबंधन में थे केंद्र में और बिहार में, और क्योंकि झारखंड बिहार का हिस्सा रहा है, तो हम लोग जरूर ये चाहते थे, मैं जरूर ये चाहता था कि हम लोग गठबंधन के तहत हम लोग कुछ सीटों पर चुनाव लड़ें, जिसके लिए मैंने प्रयास भी किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, ओम माथुर जी चुनाव प्रभारी, और साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, उनको मैंने लिखित रूप में भी 6 सीटों की मांग हम लोग ने की थी कि गठबंधन के तहत इन 6 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें जनमुंडी थी, हुसैनाबाद का नाला थी, बड़का गांव थी, कई ऐसी सीटें थी। बट क्योंकि अभी तक चुनाव में गठबंधन को लेकर कोई सफलता नहीं हुई है, इसमें कोई सहमति अभी तक नहीं बनी है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मतभेद पैदा हो गया, जहां एक तरफ लोजपा ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, वहीं आजसू ने भी भाजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवघर से विजय सिन्हा की रिपोर्ट।